वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। उत्तर प्रदेश में कभी बाहुबलियों का बोलबाला था, जहां देखो वहां डर का माहौल। सब डर में थे कि पता नहीं कब कोई आए और उनके जीवन में उथल पुथल मचा दे। लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सत्ता को संभाला, तब से ही गुंडों और माफियाओं पर नकेल कसने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए। रोजाना किसी न किसी शहर से सामने खबरें आने लगी कि गुंडों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है और माफियाओं के सफाए के लिए भी यूपी पुलिस बड़े पैमाने पर मिशन में जुटी हुई है। अब उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच भी ऐसी कार्रवाई बंद नहीं हुई है। यूपी पुलिस अभी भी एक्शन में है और गुंडों का सफाया करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी हफ्सा अंसारी के महुआबाग स्थित प्लॉट को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। कुर्क की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई है, इसको लेकर गाजीपुर जिलाधिकारी एमपी सिंह ने आदेश दिए थे। वहीं पहले की तरह कार्रवाई के मुताबिक मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया था। इसी बड़ी कार्रवाई को करते हुए सीओ ओजस्वी चावला ने बताया कि कुर्की की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई है, जिसकी अनुमानित कीमत 2,15,00,000 रुपए है। देखिए श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत आज IS-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी का महुआबाग स्थित जो ये प्लॉट है, जो ये भूमि है, इसको आज कुर्क किया गया है। ये प्रॉपर्टी क्या है, मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे के नाम पर है और जब वो माइनर थे तो उसके लिए उनकी जो संरक्षण गार्जियन है, जरा कहते हैं, अफसा अंसारी के नाम पर ये प्रॉपर्टी है। आपको बता दें कि इससे पहले नगर के देवड़ी वल्लभदास स्थित भूमि को मुनादी कराकर कुर करने की कार्रवाई की गई थी। बीते 3 अगस्त 2021 को सैयद बाड़ा स्थित 1,18,00,000 के आवासीय भवन को मुनादी के बीच कुर्क किया गया था। जिला प्रशासन मुख्तार अंसारी के नाते रिश्तेदारों सहित गैंग से जुड़े लोगों पर कार्रवाई का डंडा चलाते हुए अवैध तरीके से अर्जित की गई भूमि को कुर्क करने के साथ आवासीय भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर चुका है। इससे मुख्तार अंसारी के गैंग से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।